देखिए, ये मशीन है ऑटो क्लैंप वैक्स इंजेक्शन मशीन जिसको बोलते हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसका ऑपरेटिंग कैसे करते हैं। ये मशीन है पूरा, अभी इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है वो हम लोग दिखाने जा रहे हैं। ख़ास करके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें हमने जो वैक्स यूज़ किया है वो वैक्स का नाम है क्राफ्टमैन, और ये बहुत बढ़िया सरफेस फिनिशिंग देता है वैक्स, इसके लिए हमने यही यूज़ किया है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसको ऑपरेट, हमने पहले इसको तो इंस्टॉलेशन पूरा कर दिया है मशीन को। आप जैसे देख रहे हैं हमने वैक्स पोर्ट टेम्परेचर 75 रखा है और नोजल का टेम्परेचर 72 रखा है। बाकी हमने ये वैक्स पोर्ट का टाइम रखा है 1 और उसका भी 1 रखा है। ये जो प्रेशर है क्लैंप का और फॉरवर्ड का वो भी आप देख सकते हैं 2 किलो के आसपास रखा है। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखाने जा रहे हैं ये कैसे ऑपरेट करते हैं मशीन। हाँ, एक चीज़ और, इधर से मैंने होल्डिंग टाइम रखा है 9 सेकेंड, ये आप इधर से सेट कर सकते हैं। और काउंट 110 यानी 110 पीस इसमें से निकल चुका है। ठीक है, अभी ये मैंने डाई इसमें रख दिया है, बहुत डेलिकेट डाई है, आपको दिखाता हूँ। इसमें एक स्विच रहता है, वाइट स्विच, आप देख सकते हैं यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो ग्रीन स्विच दिख रहा है वहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये वाइट स्विच, ये मैंने किया, ये ऑपरेट हुआ। ये पुल आउट हो गया वैक्स। अभी मैं आपको वैक्स पीस निकाल के दिखाता हूँ। ये जैसे आप देख रहे हैं डाई, देखिए इसमें आपको ऐसे ही दिख रहा है, पूरा वैक्स पीस कंप्लीट फिल हो चुका है। अभी मैं आपको थोड़ा डाई गर्म है, ठंडा होने पे वैक्स पीस निकाल के दिखाता हूँ। ये रहा आपका पूरा वैक्स पीस कंप्लीट जो फिल हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना डेलिकेट जाली वाला काम है, फिर भी वैक्स पीस कितना परफेक्ट अच्छे से सरफेस वाला निकला है। इसको मैं अभी पूरा निकालूंगा, आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरा वैक्स पीस मैंने निकाल दिया। अब चारों ओर से देखिए पूरा फिल हो चुका है और एक एक जाली, एक एक प्रोंग इसके कंप्लीट पूरे फिल होके आए हैं। ये रहा आपका वैक्स पीस।